पेनिस की अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्यों हो जाता है, और अगर किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है तो उसका सल्यूशन क्या हो सकता है, आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो पेनिस आपका होता है, अगर हम इसकी एनाटमी को समझने की कोशिश करें, ये जो आपका इस तरीके पेनिस है और ऊपर इसका जो हेड होता है जो एक मशरूम जैसा नज़र आता है, जिसको आम भाषा में लोग इसका सिरा या शिशिर ऐसी भाषाओं में भी बात कर लेते, ऊपर टोपी जैसा हो जाता है, उसका जो निचला हिस्सा है आप में आपके पेनिस की जो टोपी जैसा हिस्सा है उसका बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको कोरोना कहते हैं, और उसकी जो वेंट्रल साइड होती है, वेंट्रल साइड कौन सी हुई, जब आपका पेनिस इरेक्ट है पूरे तरीके खड़ा है और आप अपने पेनिस को ऐसे झुक के देखते हैं तो जो पेनिस के ग्लांस का जो ऊपर के सिरे का निचला हिस्सा जो आपके पांवों की तरफ है, समझ पा रहे हैं आप बात को, इस तरीके आपका पेनिस है और उसके ऊपर ये आपका ग्लांस है अगला हिस्सा, और उसका निचला हिस्सा जो होता है वो वेंट्रल साइड होती है। सो वेंट्रल साइड से ही मैक्सिमम मैसेज कन्वे होता है कि अब इजैकुलेशन टाइम आ गया है। सो जिनका पेनिस बहुत सेंसिटिव होता है या हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उनको ये मैसेज इतनी जल्दी से चला जाता है कि उनके नर्वस सिस्टम में उनके डीप जो पेट के अंदर डीप यहाँ से नर्व्स होती हैं उसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन तक मैसेज आता है, ब्रेन से वापस कमांड आती है कि इजैकुलेट हो जाना है। ये हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, मगर इसका हल क्या होता है, इसके हल के लिए बहुत कॉमनली जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं लोकल एनेस्थीसिया वाली जेल्स होती हैं या स्प्रेज होते हैं। उसके लिए दो तीन चीज़ें बोलूँगा, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ पे आपके सामने रखूँगा। सो यदि आप इस तरीके के कोई लोकल एनेस्थीसिया वाले जेल्स या क्रीम्स यूज़ करना चाहते हैं कि मैं इसको यूज़ करके मैं अपना इजैकुलेशन टाइम बढ़ा लूँ, तो इसके बारे में आपको ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि लोकल एनेस्थीसिया का काम करती होती हैं। यहाँ पे आपने इसको लगा के ऊपर सिरे पे, शिशिर पे, ग्लांस पे लगा के आपने इसको सुन जैसा कर देना, इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी या कुछ केसेस में बिल्कुल गायब हो जाएगी, तो आप सेक्स कर तो रहे होगे मगर यहाँ से जल्दी से मैसेज कन्वे नहीं होगा। सो उसके कारण आपको इजैकुलेशन का टाइम लंबा मिल जाता है, मगर याद रखिएगा कि ये लोकल एनेस्थीसिया है जो लगातार बार बार इस्तेमाल करने से इसका आपको भी नुकसान होगा, और जब भी आप इसको इस्तेमाल करके सेक्स करेंगे आपका सेक्स का टाइम तो अच्छा खासा बढ़ सकता है, मगर शायद जो आनंद आपको अपने पेनिस की सेंसिटिविटी के साथ ये रबिंग होने से जो महसूस होना चाहिए वो शायद बिल्कुल नहीं होगा। बट फिर भी अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी अपनी कॉल है, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने ऐसी कोई जेल या क्रीम या कोई स्प्रे ऐसा कुछ यूज़ किया है तो उसको यूज़ करके जब उसका असर हो गया तो इसको पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर सेक्स करने के लिए जाइए, या इसके ऊपर कॉन्डम चढ़ा लीजिए फिर सेक्स के लिए जाइए। नहीं तो क्या होगा कि आपके यहाँ पे जो जेल स्प्रे किसी भी फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में आपने वो लोकल एनेस्थीसिया लगाया, वो आपके फीमेल पार्टनर के ऑर्गन के अंदर भी चला जाएगा और उनकी भी सेंसिटिविटी वहाँ से गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर तो सेक्स जैसे मीनिंगलेस सा फील होने लग जाएगा। सो इन दो तीन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। मैं पर्सनली इस ओपिनियन में कभी स्टैंड नहीं करता हूँ कि आपको इसको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। हाँ, वंस इन अ वाइल आप यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ एंटायरली योर कॉल। मैं तो ये कहता हूँ कि जिनको हाइपर सेंसिटिविटी रहती है उसका हल करना चाहिए ना। सो उसके हल के लिए आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप उस वर्जिन कोकोनट ऑयल से अपने ग्लैंड्स की, अपने पेनिस के ग्लैंड्स की डेली मसाज कीजिए, आराम से प्यार से इसकी रबिंग धीरे धीरे करते रहिए। ये याद रखिएगा कि जब आप इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आपका सेक्स जैसा, मैस्टर्बेशन जैसा मूड बन सकता है, तो आपको थोड़ा कंट्रोल ज़रूर अपने आप पे रखना है, अपना एक डिसिप्लिन रखना है कि आप इसको इस तरीके के मूड में आके मैस्टर्बेट करके इजैकुलेट करने के लिए ये नहीं कर रहे हैं। आप इसकी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए, आप इसकी केयर के लिए मसाज कर रहे हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल से, और हमने ये वर्जिन कोकोनट ऑयल या कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करके उन बहुत सारे लोगों की मदद की है। इनफैक्ट मेरा इसी चैनल पे और भी वीडियोस हैं इसी टॉपिक को लेके, वहाँ पे आप अगर कमेंट्स पढ़ेंगे अपने लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। सो दिस कैन बी अ ग्रेट हेल्प टू यू इफ़ यू हैव प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ पिनाइल ग्लैंड्स। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल दोज शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, गो फॉर दिस वन। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि यार ये हल नहीं हो रहा है, देन यू कैन टेक द डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल। आप चाहे तो हमारे डॉक्टर्स की मदद कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं।
keep enjoying great sex life.